अभी मैंने आपको द्विबीज पत्री पत्ती की संरचना समझाई है। हमने दो प्रकार की पत्तियां देखी थी, या तो पत्तियां होती हैं डॉर्सी वेंट्रल या होती हैं आइसो बाइलेट्रल। तो इसके पहले हम डॉर्सी वेंट्रल या पृष्ठाधारी पत्ती की आंतरिक संरचना पढ़ चुके हैं। अब हम सम द्विवार्षिक पत्तियां या आइसो बाइलेट्रल लीव्स की आंतरिक संरचना देखेंगे। मैंने शुरू में ही बताया है कि पृष्ठाधारी पत्तियां द्विबीजपत्री पौधों की होती हैं और सम द्विपार्श्वीय पत्तियां एक बीजपत्री पौधों की होती हैं। तो हम सम द्विपार्श्वीय पत्ती को देखने के लिए इस डायग्राम को देखें। यहाँ हमने लिखा है टीएस ऑफ मोनोकॉट लीफ, यानी हम किसका चित्र पढ़ रहे हैं, एक बीजपत्री पत्ती की ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट देख रहे हैं। जब हम एक बीजपत्री पत्ती की अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो हम देखेंगे कि इनमें भी ऊपर और नीचे हमको जो लेयर दिखाई दे रही हैं, ऊपर वाली लेयर को हम अपर एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। ऊपर वाली लेयर क्या कहलाती है? अपर एपिडर्मिस। और इसी तरह से जो नीचे वाली लेयर होती है उसको हम लोअर एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। ये जो नीचे वाली लेयर है ये लोअर एपिडर्मिस कहलाती है। तो इस तरह से अपर और लोअर एपिडर्मिस को जब हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि ऊपर की और नीचे की दोनों एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है स्टोमेटा, यहाँ भी लिखा है स्टोमेटा। तो एक द्विबीजपत्री पत्ती की अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस में स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं जो गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। अब एक द्विबीजपत्री की एक और खासियत है, इनकी अपर एपिडर्मिस में कुछ विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन विशेष कोशिकाओं को बुलीफॉर्म सेल्स कहा जाता है। ये बुलीफॉर्म सेल्स वास्कोसर्जन की क्रिया का नियंत्रण करती हैं। तो हमने अभी दोनों की एपिडर्मिस देखी, दोनों एपिडर्मिस के ऊपर ये जो पतली लेयर दिखाई दे रही है, ये जो पतला स्तर दिखाई दे रहा है इसे क्यूटिकल का स्तर कहते हैं। अब हम इसके बीच वाले भाग को देखें जिसको हम मीजोफिल कहेंगे या पर्ण मध्योतक कहेंगे। तो एक बीजपत्री पौधों की पत्ती का जो पर्ण मध्योतक है वो अलग होता है और द्विबीजपत्री का अलग। जब हम द्विबीजपत्री पौधे पढ़ रहे थे तो यहाँ पर हमको पेलिसैड और स्पॉन्जी दो तरह की कोशिकाएं दिख रही थी, लेकिन एक बीजपत्री पौधे की जो पूरा अंदर मीजोफिल या मध्योतक है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ होता है। तो ये कुछ स्तंभाकार दिखाई दे रही हैं और ये एक ही प्रकार का मीजोफिल या पर्ण मध्योतक है और इनमें कुछ छोटे अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। अब हम देखें अगला स्टेप, वो है वैस्कुलर बंडल या संवहन पूल। तो ये जो हम संवहन पूल की संरचना देख रहे हैं, हमने आपको शुरू में भी बताया है कि संवहन पूल अर्थात इसके अंतर्गत जाइलम और फ्लोयम आएंगे और पत्तियों का संवहन पूल सम द्विपार्श्विक और बंद प्रकार का होता है। बंद संवहन पूल यानी ऐसा संवहन पूल जिसके पास कैम्बियम ना हो। तो दोनों पत्तियों में, चाहे हम मोनोकॉट की पत्ती देखें चाहे डाइकॉट की, दोनों पत्तियों का जो संवहन पूल है वो बंद है, अर्थात इनके पास जाइलम और फ्लोयम तो होगा पर कैम्बियम नहीं होगा। ये देखिए, इसमें हम जाइलम, ये जो डबल लेयर वाली कोशिकाएं हैं, ये जो डबल लेयर वाली कोशिकाएं हैं ये जाइलम है और उसके नीचे ये जो सिंगल कोशिकाएं हैं ये फ्लोयम है। तो इस तरह से इस संवहन पूल में हमको जाइलम और फ्लोयम की कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। इनके चारों तरफ जो एक कोशिकीय स्तर है ये बंडल सीथ कहलाता है। क्या कहते हैं हम इसको? ये देखिए, ये जो एक कोशिकीय, हाँ वेरी गुड, जो एक कोशिकीय स्तर है उसका नाम क्या है? इसे हम बंडल सीथ कहते हैं। और संवहन पूल में जाइलम और फ्लोयम आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा है? टीएस ऑफ मोनोकॉट लीफ। अब हम एक बार और थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कर लें।
हमने आपको बताया है कि पत्तियां दो तरह की होती हैं। द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों को पृष्ठाधारी पत्तियां या डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं और एक बीजपत्री की पत्तियों को समद्विपार्श्विक पत्तियां या आइसोबाइलेटरल पत्तियां कहते हैं। तो इसका हमने पहले पढ़ाया है, जब हमने डॉर्सी वेंट्रल लीफ पढ़ाई थी तो उसमें हमने एक खासियत बताई थी कि उसकी ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर अलग अलग थी और इसीलिए उसका नाम डॉर्सी वेंट्रल लीफ था। लेकिन अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? समद्विपार्श्वीय पत्ती। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? समद्विपार्श्वीय पत्तियां। तो इन पत्तियों की ऊपर और लेयर की ऊपर और नीचे की स्तर या लेयर एक समान है। देखो दोनों लेयर में ये एक कोशिकीय ढोलक के आकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, जिनको क्रमशः अपर और लोअर एपिडर्मिस कह रहे हैं। दोनों में स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं। स्टोमेटा के बाद ये एयर चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। स्टोमेटा गैसों के आदान प्रदान में मदद कर रहे हैं। अब जो द्विबीजपत्री की पत्ती थी उसके पास ऐसा नहीं था, उनकी पत्ती में केवल ऊपर की सतह में स्टोमेटा थे, जबकि जो एक बीजपत्री की पत्ती है उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्टोमेटा है। और एक और खासियत हमने मोनोकार्ड लीफ या एक बीजपत्री पत्ती की यह देखी कि इनकी ऊपरी सतह पर बुलीफॉर्म कोशिकाएं हैं और ये बुलीफॉर्म कोशिकाएं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का नियंत्रण कर रही हैं। जो मीजोफिल ऊतक है यहाँ एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं और इन कोशिकाओं के पास क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट है जिससे ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करती हैं। और ये हमको वैस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं। तो एक बीजपत्री पौधों में समानांतर शिराविन्यास होता है इसलिए समानांतर वैस्कुलर बंडल दिखते हैं और इन वैस्कुलर बंडल को हम समद्विपार्श्वीय और बंद प्रकार के वैस्कुलर बंडल या समद्विपार्श्वीय और बंद संवहन पुल के नाम से जानते हैं और इनके ऊपर और नीचे ये स्क्लेरेन्काइमा ऊतक है। मोनोकार्ड पौधों में वैस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे स्क्लेरेन्काइमा ऊतक हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में यहाँ पर पेरेन्काइमा ऊतक थे। तो ऐसा हमने दो तीन मुख्य अंतर भी देख लिए। और एक बीजपत्री यानि मक्का गेहूँ चावल आदि की पत्ती की जब हम अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो ये पत्ती हमें इस तरह से दिखाई देगी। तो आप नोट बना लेंगे।